दोस्तों रिलायंस जियो के द्वारा सबसे पहले उनका 4G फीचर फ़ोन लॉन्च किया गया था उसके बाद में यहाँ पर जियो फ़ोन टू भी लॉन्च किया गया और नया वाला जो 4G फीचर फोन था कुछ इस तरह का जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था लेकिन अभी आप लोग को पता है जो कि जब से जियो फोन नेक्स्ट भी आने वाला है जो कि दुनिया का सबसे सस्ता फोर स्मार्टफोन होने वाला है दिवाली के आसपास इसे जो है आप लोग के लिए अवेलेबल कराया जाएगा लेकिन दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि दिवाली के आसपास ही आप लोग को जियो के लैपटॉप भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी हाँ दोस्तों जियो लैपटॉप या जियो नोटबुक आप कुछ भी इन्हें बोल सकते हो तो वो दिवाली के आसपास यहाँ पर आप लोग को मिलने वाले क्या कुछ स्पेसिफेशन आपको देखने को मिलेंगे कितनी इनकी कीमत होगी सारी जो डिटेल है दोस्तों वो आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर तो दोस्तों आप लोग को पता होगा इसी साल जो है यहाँ पर जनवरी के अंदर न्यूज आई थी यहाँ पर बताया गया था कि जियो अपना लैपटॉप लेकर आ रहा है जहां पर इस लैपटॉप का जो नेम होने वाला है वो जियो बुक होने वाला है जहां पर आपको एक एच डिस्प्ले प्रोवाइड की जाएगी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी फाइव वाला जो चिपसेट है वो आपको देखने को मिलेगा इसी के साथ में आपको वहाँ पर फोर जी सिम का सपोर्ट मिलेगा चार जीबी की रैम चौंसठ जीबी

हुआ है और मॉडल नंबर भी वहां पर बताया गया है कि तीनों के जो मॉडल नंबर हैं वो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एन बी ट्रिपल वन एट क्यू और उसके अलावा यहां पर एन बी डबल वन फोर एट क्यू साथ में एन बी डबल वन वन टू एम एम ये तीन नोटबुक यहाँ पर रिलायंस जियो की तरफ से लॉन्च की जाने वाली है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद दिवाली के आसपास इन्हें लॉन्च किया जा सकता है तो अब आप लोग को जियो फोन नेक्स्ट के अलावा काफ़ी सस्ता लैपटॉप यानी कि नोटबुक बोल सकते हैं लैपटॉप बोल सकते हैं जियो बुक बोल सकते हैं वो शायद इसी साल यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग बताना क्या आप लोग जियो का लैपटॉप खरीदना पसंद करेंगे दस हज़ार रुपये के आसपास वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ज्यादा डेलकॉम न्यूज के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए